न्यूलैंड 5510 एक्सल सीरीज 48 गियर वाला ट्रैक्टर भाई ये, 1628 के टायरों में, और इसके पीछे चल रहा है नेशनल का 7 फीट सुपर सीडर। सुपर सीडर का परफॉर्मेंस देखो सबसे पहले तो आप, ये देखो टायर का माटी फेंक फेंक मार रहा है, टायर का माटी फेंक फेंक मार लग रहा है। और इसके अंदर जो है खाली रूटावेटर वाला लोड है चैन से, बाकी जो ऊपर ड्रिल की जो चैन की चाल दे रखी है वो इस गिरडी में दे रखी है। इधर से आप देख सको इसके गिरडी जब घूमेगी तो चैन ना आगे घुमाओगी और चैन ऊपर जो है ड्रिल मशीन को घुमा रही है। नेशनल का 7 फीट सुपर सीडर VS न्यूलैंड 5510 एक्सल सीरीज 48 गियर वाला। आगे तो ट्रैक्टर हल्का रह गया भाई, वजन की जरूरत है, ट्रैक्टर उठा है 7 फीट के सुपर सीडर में। अगर हम इसके पीछे 8 फीट का सुपर सीडर जोड़ देते तो फिर तो ट्रैक्टर और ज्यादा उठा है। ये अपने भोपाल जी हैं सोनीपत पीएम कॉलेज से, और ये अभी अपने रिश्तेदार का खेत जुताई कर रहे हैं कोड़ा गोहाना के अंदर, और इसके पीछे चल रहे हैं नेशनल का 7 फीट सुपर सीडर। ये देखो किसान भाइयों किस तरह से ट्रैक्टर माटी फेंक रहा है पीछे पूरी गति रूटा, सुपर सीडर जो है बिल्कुल ट्रैक्टर के पहिया में माटी फेंक कर मारा है, चक्कर बहुत ज़्यादा कर रखे हैं। ट्रैक्टर वजन के कारण आगे तो हल्का रह गया भाई, टेक्नोलॉजी तो बढ़िया थी ट्रैक्टर में पर सुपर सीडर के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी हल्का रह गया ट्रैक्टर। देख लो थोड़ा सा परफॉर्मेंस, एक चक्कर रह रहा आगे कल्याणा, उसके बाद आपको किसान से ज़रूर मिलवाएंगे और ट्रैक्टर कैसा है और सुपर सीडर कैसा है इसके बारे में भी किसान की राय जानेंगे। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा लें ताकि आप लोग हमारे चैनल की वीडियो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले देख सको। किसान भाई आज हम आपको दिखा रहे हैं न्यूलैंड का 5510 एक्सल सीरीज, ट्रैक्टर के आरपीएम भी आप देख सको। किसान भाइयों आप देख सको लिफ्टों के लिए भी जो है पूरे नीचे गियर रखे हैं और दूसरे गियर में चल रहे हैं ना, दूसरे गियर में चल रहे हैं, और आरपीएम देख सको आप 22 की रेस पे है और पूरे 540 आरपीएम पे है। काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है ट्रैक्टर का। बंद कराया ट्रैक्टर ने।
नमस्कार भोपाल जी। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी, और जो सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनको मेरी राम राम, मतलब सभी जमींदार भाइयों को राम राम मेरी। तो जैसे एक तो पहले तो आप थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में बताओ। जी जी, ये न्यू ओलैंड 5510 ट्रैक्टर एक्सेल सीरीज आपने नया मॉडल लिया है जी, और इसका भी टॉप मॉडल लिया है जो कि 48 गियर वाला है जी। तो इसके अंदर ऐसी क्या खासियत लगी आपने जो आपने 48 गियर वाला लिया? मोस्टली लोग तो 24 गियर या फिर हाई लो मीडियम के हिसाब से ले लेते हैं जी जी जी। तो इसमें ऐसा क्या कुछ अलग पाया आपने इसमें जी? एक तो इसमें 4-5 फीचर एक्स्ट्रा है। एक तो 2500 क्विंटल लिफ्टिंग कैपेसिटी है इसकी, लिफ्ट कैपेसिटी एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा है जी, तकरीबन 2200 तक पावर है इसमें जी जी जी। एक एक फाइबर मतलब जो छतरी है वो एक्स्ट्रा है इसमें। और एक तो लैंड वाले दे ही रहे हैं तकरीबन। और एक जो डीजल टैंक है, मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी डीजल टैंक की। अच्छा, एक्स्ट्रा डीजल टैंक दे रखे इसमें, सोलिड मतलब डीजल टैंक बोलती कंपनी इसमें। और ये दोनों नीचे वाला भी, सुबह जमींदार खेत में टंकी भर के आ जाओ और शाम को 8-9 बजे तक आराम से नॉन स्टॉप काम करते रहो। मतलब मैं तो इस चीज़ को लाइक करता हूँ कि भाई डीजल डालना ना पड़े। डालना ना पड़े एक ही बार पंप पे गया और जी 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 जी। और दूसरी खासियत इसमें, ये है, ये इसका जो एक्सल है ये फोल्डेबल है इसका। अच्छा, एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल है इसका। और एक इसका गेयर, एक 24 गियर के मतलब 48 मतलब बन जाते हैं इसमें। ये लीवर है ये। अच्छा, ये लीवर अलग से दे दिया जी। अगर इसमें 24 गियर आगे के 24 पीछे के हैं, इससे बन जाते हैं। बाकी तो वैसे 12 आगे के होते हैं, 12 पीछे के होते हैं। सटल सिस्टिंग है, हाई लो मीडियम और 4 गियर थे। और सबसे बढ़िया बात, 12 हो गए। और इससे भी बढ़िया बात मेरे को ये लगी, जैसे भी की मतलब के तरह आगे करना तो आगे कर दो, इसको पीछे करना पीछे कर दो। जिस गियर में आप आगे चला रहे हो जी जी जी, जैसे धक्का मारो जी जी, तो जल्दी से बस गियर जो है एडजस्ट हो जाए। बहुत फास्ट काम करता है इससे। उसी गियर में गेला कल सुबह का पीछे मार दो जी जी। और थोड़ा सा सुपर सीडर के बारे में और बताओ जी, कि ये सुपर सीडर आपने नेशनल का लिया है जी 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 जी, और काफी कम लोग इसको खरीद रहे थे जी, लेकिन आपने नेशनल का लिया, इसमें क्या खासियत लगी आपको और सुपर सीडरों से? मेरे को उसी मेरे को इसकी खासियत एक तो ये लगी कि इसमें वो नहीं है, मतलब आगे जो ड्रिल जो घूमती है वो पीछे जो मतलब के वो रोलर से ही घूमती है ये। अच्छा, मतलब पीटीओ से नहीं घूम रही इसमें? नहीं, पीटीओ से नहीं घूम रही, और ना आगे साइड में वो पहिया होता है उससे घूमता है ये चैन सिस्टम। किसी में पहिया का है सिस्टम जुगाड़ का, तो किसी में तवियों के लिए, इसके लिए जीरो ड्रिल को घुमाने के लिए ज्यादा आगे से चैन दे रखी है रोटावेटर से। ज्यादातर तो मोस्टली पहिए से ही घूमता है ये। हाँ, और पहिया कहीं खेत में, पेड़ में, मेड़ में, रास्ते में लग सकता है। हाँ, तो ये कहीं आगे लो पीछे लो, इसका कोई ज्यादा सा मतलब टूट फूट का सिस्टम है नहीं। इसमें थोड़ा दिखाओ किस तरह से घूम रही है। जैसे ये रोलर घूमता है। हाँ, रोलर ऐसे यहाँ इसमें गिरा रही है। हाँ, ये चैन है, चैन है, फिर यहाँ ये फिर इसको घुमाती है, मतलब सीडर को घुमाती है इसको। अच्छा, यहाँ से सिस्टम बना दिया चैन के लिए। जी जी जी, ये ये तो काफी बेस्ट सिस्टम है इसमें। तो फिर ये मानोगे ना, तो इधर से इन्होंने चाल दी इसमें जी 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 जी, और ना उधर से दी है। ये लेफ्ट साइड से देख रहे हो किसान भाई आप जी, और राइट साइड में आपको दिखाता हूँ जी। इसमें आप किसी भी साइड से देख सको, इसमें चैन ऑपरेट नहीं है जी। इसमें खाली ट्रैक्टर के ऊपर जो पीटीओ का ही लोड रहेगा और या फिर लिफ्टॉप पे उठाने गिराने का, वो तो मैक्सिमम सभी पे सेम रहता है, लेकिन जो पीटीओ के ऊपर जो लोड है वो खाली एक रोटावेटर माफी का लोड रह गया। और मैंने इसमें जो ट्रैक्टर चलाया, मैंने इसमें लगभग 2.5 एकड़ तो कल बाए थे, और मतलब के 3.5 एकड़ आज गेहूं बोया है। ट्रैक्टर बिल्कुल दबाव नहीं मान रहा। दबाव नहीं मान रहा? आप कौन से गियर में और कितनी रेस पर चला रहे हैं ट्रैक्टर को? ये 2200 आरपीएम पर चल रहा था, जो 540 बिल्कुल नंबर बनते हैं। और दूसरे के मतलब लो में चल रहा था, जो वो जो 24 गियर वाली खुट्टी है वो भी मतलब के मतलब 2.5 गियर में था। 2.5 गियर में था ये, लो के 2.5 गियर में। अच्छा, तो 50 चक्कर भी मुश्किल से तोड़ता है, और थोड़ा बहुत कहीं दबाव मानता है तो 100-150 चक्कर तोड़ता है, साथ ही साथ मतलब के सुई गेले ऑपरेट कर ले, मतलब गेले मेंटेन कर ले, अगर दब जाए तो गेले उठे, मतलब के वहीं पहुंच जाती है। तो ट्रैक्टर के अंदर भी आपने कुछ खासियतें तो आपने बता दी, कोई कमी भी नजर आई आपने? जी, इसमें थोड़ी सी कमी ये है ट्रैक्टर में, थोड़ी सी लंबेट कम है ट्रैक्टर, जिस कारण आगे से उठता है, या तो कंपनी इसमें वेट दे, नहीं तो फिर जमींदार को खुद अपने पैसे से वेट बनवाना पड़ता है इसमें। हाँ, वेट बनवाना पड़ता है। अभी इसमें कम से कम दो क्विंटल का वेट चाहिए सुपर सीटर के लिए। जी 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 जी, इजी नाला। तो फिर ट्रैक्टर जो है अगर ट्रॉली वगैरह ही खिंचाई होगी जैसे गन्ने के सीजन पे जी, तो उसमें भी ट्रैक्टर दिक्कत कर सका आगे उठने की? जी जी जी, या फिर इतना ज्यादा हैवी बम्पर इस पर लगवाना पड़ेगा? कम से कम 2 क्विंटल का बम्पर चाहिए जी। हाँ, वो देख रहे हैं, 2 कट्टे माटी के जी जी जी।
तो ठीक है भोपाल भाई जी, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। और किसान भाई अपने भोपाल जी हैं सोनीपत से, पीएम कॉलेज है जो पूर्ण मूर्ति, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताओ एक बार। जी मेरा गांव कामी है और हमारा हम मतलब एक मतलब के संस्था मतलब चलाते हैं पीएम के नाम से, जो पी फोर पूर्ण मेरे पापा जी का नाम है और एम फोर मूर्ति मेरी मम्मी का नाम है, तो वो उन्हीं के नाम पे पीएम। और मैं शौकिया तौर पे खेती भी करता हूँ लगभग 30 एकड़ की, पर मैं मतलब किसान भाइयों को एक राय देना चाहूँगा, पराली में आग ना लगाएं बिल्कुल, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पराली में आग ना लगाएं, मतलब इसको ज़मीन के अंदर ही मतलब जुताई करके डाल दें, किसी भी जो भी तरीका किसान भाई अपना, सबसे बेस्ट तरीका है। गवर्नमेंट ठीक कहती है पर जमींदार भी समझ में कम आता है, हम मतलब गेहूँ के बुआरे की जल्दी में जल्दी जल्दी करके आग उग लगा के गेहूँ डाल देते हैं उसमें, पर एक किले में आप आग लगा के गेहूँ बो और एक किले में फांस दबा के गेहूँ बो और उसके गेहूँ काटने के बाद जब एरो से बाई करोगे, जिस किले में आग लगाई थी उसमें तो ज़मीन बाई कम होगी, एरो कम लगेगी, और जिस किले में आपने फांस दबाए हैं यूं के यूं काट पीट के उसमें एरो बिल्कुल बैठ कर जाएगी, पूरी जाएगी जी, जैसे मतलब गेहूँ बोने के टाइम एरो लगती है ना, ऐसे एरो लगेगी, ये मेरा तजुर्बा है जी जी। फसल जब हम बोएंगे तो उसके लिए जुताई बढ़िया हो जाए जी जी जी, अगली फसल भी अच्छी तैयार हो जी जी। और इसका खाद तो मतलब बनता ही है, खाद भी बनेगा तो इसी वजह से जमीन भी नरम रहती है, जीवाणु भी ज्यादा बनते हैं जी जी। तो किसान भाइयों देखा आज आपने के अपने जो है भोपाल जी ने थोड़ा सा किसानों को ज्ञान भी दिया है और अपने ट्रैक्टर और नई जो है सुपर सीडर के साथ इन्होंने क्वालिटी भी बताई कि इन दोनों ट्रैक्टर में और सुपर सीडर में क्या अलग क्वालिटी है। और मैं नरेश भाई का धन्यवाद करता हूँ कि ये बार बार मतलब जमींदारों को आगाह भी करते रहते हैं, मतलब नए नए औजारों के बारे में भी वो करते रहते हैं, मैं तो इनको पर्सनली तौर पर मतलब लाइक करता हूँ इनको बहुत ज़्यादा। प्रशंसा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल जी। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों जो हमने आपको दिखाया 55-10 न्यू लैंड एक्सेल सीरीज 48 गियर वाला और नेशनल का सुपर सीडर 7 फीट का, जिसके अंदर कोई चैन वगैरह ऑपरेट पीटीओ से नहीं होगी, जो नॉर्मली जो है सीड ड्रिल जो है पीछे रूले के द्वारा ही चलती है। तो किसान भाई इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और इसके बारे में आपकी क्या और राय है, कितने परसेंट आपको ये अच्छा लगा है और क्या कुछ आप इसके वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि अगली वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में कोई अगर हमारे से मिस अंडरस्टैंडिंग होगी हो जो ज्ञान हम आपको ना दे पाए उसके बारे में अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।